आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलो अन ठीक है, दिख रहा है सबको। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तुम लोग क्या समझते हो, ये किस चीज से रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो दो टर्म यहां पे इन्वॉल्व है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे दो एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो इलेक्ट्रो से कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है ना, और केमिस्ट्री से कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां से कौन सा एनर्जी निकलता है, केमिकल एनर्जी, यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। तो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे और मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, कैसे मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकली किस कैसे इसको अप्लाई करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, फैराडेस का इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसलिए एक बार अच्छे से समझना। इसमें थोड़ा सा रिडॉक्स का जो वैलेंसी फैक्टर ये सब निकालने बताए थे, वो सब चीज याद है तुम लोगों को, रिडॉक्स में जो डिस्कस किए थे अभी रिसेंटली डिस्कस किए थे, याद रहना चाहिए, यस और नो? यस सर। एन फैक्टर निकालने वाला याद है, बोलो अभी भी लगता है आवाज कट रहा है तुम लोगों का, बताओ बताओ। नहीं सर आवाज नहीं कट रहा, आ रहा है ना? चलो वो रिडॉक्स का वो पार्ट याद है ना, वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और दो टाइप के सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल में होता है, और दूसरा जो सेल होगा वहां पे हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दो टाइप के सेल के थ्रू ये होता है आपस में इंटर कन्वर्जन। पहला जो सेल होता है ये गैल्वेनिक सेल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। सुने हो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में? गैल्वेनिक सेल या फिर इसी का दूसरा नाम है वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर रेडॉक्स सेल भी बोलते हैं। तो ये दो टाइप के सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग देखेंगे कि केमिकल एनर्जी का जो होता है कन्वर्जन ये किस में होगा, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होगा, इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो? गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी जनरेट होगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, समझ रहे हो बात? और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन से किस एनर्जी से किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बताओ? हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ऑलरेडी पहले भी तुम लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस बता चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास नहीं करते हैं, जब तक उसको सेल से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम नहीं करता है, तो उसमें करंट से कनेक्ट करते हैं हम लोग, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए तो वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो हम लोग ये दोनों सेल के बारे में पढ़ेंगे।
एक एक करके डिटेल में हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? यस सर। यस, चलो तब सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल या रिडॉक्स सेल भी बोला जाता है उसको, ठीक है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखो। जैसे मान लो इस टाइप का केस हम लोग लेते हैं, जैसे एक बीकर ले लिए, ठीक है? अब इस बीकर में हमारे पास इसमें एक सॉल्यूशन हम लोग ले लिए, ये सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हम लोग, ठीक है? पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक जिंक का रॉड जो है ये प्लेस कर दिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक जिंक का रॉड हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है? अब तुम लोग खुद बताओ जिंक का रॉड ये जिंक का रॉड है। अब यहां बताना तुम लोग खुद ही, यहां पे कोई रिएक्शन अगर होगा या नहीं होगा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तुम जिंक का रॉड रख दो तो रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, कोई रिएक्शन या नहीं? क्या रिएक्शन हो रहा होगा बताओ? हाँ, किस ये मतलब कैसे डिसाइड किया तुम लोग रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या? हाँ, तो एक तुम लोग क्लास 10th में एक एक्टिविटी सीरीज पढ़े होगे, याद है मेटल का? तो उसमें ये बताया गया था मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होगे, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो जब जिंक को तुम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? उसको हम लोग रिडॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन ये आएगा, ठीक है? ऑब्जर्वेशन देखो ये होता है, कुछ टाइम टी के बाद हम लोग ये देखते हैं, ये जो रॉड लिया है ना जिंक का, ये रॉड देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। जो रॉड लिए हम लोग धीरे धीरे देखोगे इस रॉड में का थिकनेस जो हो रहा है ये कम होते जा रहा है, समझ रहे हो? आफ्टर टाइम टी देखोगे इस रॉड का थिकनेस कम हो गया, जिंक का रॉड है। और उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने का मिला कि यहाँ पे देखोगे कि बीकर के एकदम बॉटम में जो है ब्राउन कलर का जो है एक मेटल डिपॉजिट होते जा रहा है, वो कौन से मेटल का डिपॉजिट होगा, सीयू मेटल, सीयू सॉलिड के फॉर्म में वहां पे डिपॉजिट होते जा रहा है, ठीक है? और एक और चीज, ये किसी टाइम टी पे देखा गया। अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में जब टेस्ट किया गया सॉल्यूशन का, तो इस सॉल्यूशन में जो है Zn2+ के आयंस भी प्रेजेंट थे और Cu2+ के आयंस भी प्रेजेंट थे एक्वस फॉर्म में, ठीक है? इनिशियली जब हम लोग T=0 पे स्टार्ट किए थे तो उस समय सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ किसके आयंस थे, Cu2+ के आयंस थे, यस और नो बोलो? जब इनिशियली T=0 पे हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ सॉल्यूशन में कौन से मेटल का आयन प्रेजेंट था, कॉपर के ही मेटल का आयन प्रेजेंट होगा ना, Cu2+। Yes. लेकिन आफ्टर टाइम टी क्या ऑब्जर्व किया गया कि उस सॉल्यूशन में जो है कॉपर के आयंस तो है ही, एट द सेम टाइम जो है जिंक के भी आयंस प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन ऐसे देखा गया, ऑब्जर्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये बताना तुम लोग, टेम्परेचर खुद ब खुद थोड़ी इंक्रीज हो जाएगा,
जब तक वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, बिना केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या, ये बताओ। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या इंडिकेशन हमको मिल गया कि वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बोलो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, हीट एनर्जी, क्योंकि केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन वहां हुआ जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट हुआ, तो वही तो बीकर का टेम्परेचर को राइज किया ना, तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन है हमारा टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे विल गिव द टेस्ट ऑफ, विल गिव द टेस्ट ऑफ Zn2+ ions as well as Cu2+ ions, क्योंकि हमको पता है कि अगर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो उसमें जो सॉल्यूशन हमारा है फाइनल सॉल्यूशन, उसमें जिंक के भी आयंस प्रेजेंट होंगे और एट द सेम टाइम कॉपर के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। अभी पूरा कंप्लीट रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है हम लोग वैसे नहीं बोल सकते हैं, मतलब किसी टाइम टी पे, मतलब हम लोग रिएक्शन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए थोड़े टाइम पास होने के बाद, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि उस सॉल्यूशन जो है वो जिंक का भी टेस्ट शो करेगा और कॉपर के आयंस का भी टेस्ट शो करेगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कि मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, ये होगा या नहीं बताओ, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, यस और नो। जिंक के रॉड का देखोगे थिकनेस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ, हम लोग ये बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस, ये क्या होगा, डिक्रीजेस। Cu2+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि कुछ कॉपर जो है वो मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहा है ना, यहाँ पे देखोगे कॉपर के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं नीचे बॉटम में, मिल रहा है या नहीं, ये बताओ। तो इसका मतलब कॉपर Cu Cu2+ के फॉर्म में जो आयन प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, उसका कंसेंट्रेशन घटेगा या नहीं घटेगा, कब तक घटेगा, हम लोग बोल सकते हैं जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर डिक्रीजेस, इंक्रीज या डिक्रीज, ये बताओ तो सॉल्यूशन का। ब्लू कलर का इंटेंसिटी जो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो बदमाशी करता है, देखो 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 क्या क्या, देखो क्या क्या मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, क्यों तो मैं सब सीखा है, चलो हम भी नीचे बैठो, चलो चलो नीचे बैठो, चलो इसका ऑडियो है पुची, देखो पुची तेरे तेरे पुची, आ रहा है आवाज अभी, यस सर, चलो ठीक है। हाँ तो ये पूछ रहे थे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ये बताओ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर क्या होगा किसी टाइम टी पे देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कॉन्स्टेंट, आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिला। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मान लो ये CuSO4
एक्वस, इसमें हम लोग जिंक रॉड प्लेस किए हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बताओ, ये क्या बना रहा होगा, ZnSO4 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड के फॉर्म में, यही रिएक्शन हो रहा है ना वहां पे। yes. तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं बताओ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कॉपर, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस टू है, और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। अब ZnSO4 बना तो ये क्या हो गया, Zn प्लस टू हो गया, और Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं बताओ? यस। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल एनर्जी जनरेट होगा, वही केमिकल एनर्जी जो है उस सिस्टम का या जो हमारा शेल है उसका, वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और धीरे धीरे देखोगे जिंक के रॉड का जो है ये थिकनेस कम होते जाएगा, और कॉपर का कंसेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहा है नीचे, तो कॉपर का कंसेंट्रेशन जो है इनिशियल में जितना लिए थे वो डिक्रीज होगा, और उसके बाद वो जब इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो जाएगा रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी होता है, उसकी वजह से वो इंटेंसिटी, ब्लू कलर का इंटेंसिटी वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग फैक्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तब देखो फैक्ट कि एक्चुअली में क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है? तो ये ध्यान देना, इसको ऐसे लिख लो, साथ में ही लिखो कि व्हेनेवर, इतना लिख चुके हो ऊपर का, ये हो गया। yes. चलो ठीक है, तब यहाँ पे हम फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी भी मेटल रॉड को अगर तुम सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तो वहां पे क्या एक्चुअली कितने टाइप के प्रेशर्स जनरेट होते हैं, ठीक है? तो व्हेनेवर ए मेटल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन, two opposing tendencies arises, ठीक है? ध्यान दो, किसी भी मेटालिक रॉड को अगर उसके तुम सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, ठीक है, तो दो अपोजिंग टेंडेंसीज अराइज करते हैं। सबसे पहला जो टेंडेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, और दूसरा जो टेंडेंसी होता है उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दो टेंडेंसी राइज करते हैं किसी भी मेटल को अगर हम लोग उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में अगर रखेंगे, तो दो अपोजिंग टेंडेंसी राइज होगा, एक सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर, इसका दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेशन। अब डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताओ तो? ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये डी इलेक्ट्रोनेशन ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो सॉल्यूशन प्रेशर का ही दूसरा नाम ऑक्सीडेशन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इलेक्ट्रोनेशन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, रिडक्शन। तो किसी भी मेटल को अगर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो दो अपोजिंग टेंडेंसीज अराइज होता है, एक इलेक्ट्रोनेशन और दूसरा डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन प्रेशर मतलब ऑक्सीडेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब रिडक्शन, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक केस ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये पहला वाला केस ले रहा है, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है? तो मान लो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, इस बीकर में ये ले लिए हम लोग ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, और इसमें हम लोग जिंक रॉड प्लेस कर दिए ऊपर से, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड रख दिए, और यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि जिंक रॉड को रखे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन वाला केस हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट वाला केस, ठीक है?
ये जो जिंक रॉड है इसका ऑक्सीडेशन कंसिडर कर रहे हैं. तो जिंक रॉड का अगर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे केस वन है, ये हमारा केस वन. और इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं कि व्हेन मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो मेटल का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो इसमें कौन सा प्रेशर ग्रेटर होगा, सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होगा या ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होगा, बता सकते हो सर? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रेशर. तो हम लोग इस पहला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि फॉर दिस टाइप ऑफ, फॉर दिस केस, अगर ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी उसका ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. बात समझ में आ रहा है ये? मेटल का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. देखो, जिंक का रॉड जो है ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, Zn2+ बनाया, ये एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया. ठीक है, अब Zn जो है ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा और Zn2+ में कन्वर्ट होके ये किस में जा रहा होगा, Zn2+ जो निकल रहा होगा उसका, वो सॉल्यूशन में ही तो जा रहा होगा ना, यहाँ से Zn2+ जो है ये उस रॉड से निकल के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में ही तो जा रहा है, यस और नो, ये बताओ. Zn जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिंक के एटम्स जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना रहा है और वो Zn2+ उससे निकल के कहाँ जाएगा, उस सॉल्यूशन में ही जा रहा है. यस यस, तो इसका मतलब किसी टाइम टी के बाद तुम क्या देखोगे कि कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन सॉल्यूशन में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज. तो कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयंस इंक्रीज, इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, और कंसेंट अगर Zn2+ निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएंगे, यस और नो? यस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो निकलते जा रहा है ना वहां से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो आयन बन के निकल गया. तो इस रॉड में क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा या नहीं, बताओ? जिंक के रॉड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या नहीं? यस. तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जिंक रॉड जो है ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, इट बिकम्स सप्लायर ऑफ कौन सा चार्ज, किस चार्ज को ये सप्लाई करेगा जो उसके पास एक्सेस है. yes. तो एक्सेस में कौन सा चार्ज है उसके पास, नेगेटिव चार्ज. तो इट बिकम्स सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड एक्सेस एनोड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किसी टाइम टी के बाद देखोगे Zn जो है वो क्या हो रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या हो जाएंगे, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे. और इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रॉड जो है वो किस चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो किस टाइप के चार्ज को सप्लाई कर सकता है जो उसके पास एक्सेस में प्रेजेंट है. तो एक्सेस में कौन सा चार्ज है उसके पास, नेगेटिव चार्ज. और सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन सा इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह. समझ रहे हो बात? अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के पास एक्सेस में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर वो सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है वहां पे, एनोड की तरह. ठीक है, यस और नो? यस.
अब यहाँ पे एक और चीज देखना, एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि मेटालिक रॉड एंड द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यस और नो, ये बताओ। मेटालिक रॉड के पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में एक्सेस कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस आ गया है और रॉड में क्या बच गया है? इलेक्ट्रॉन्स बच गया है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो दोनों मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, समझ रहे हो? जितना रॉड के पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है उतना ही इक्वल चार्ज किसके पास है? अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसके पास प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, है ना? यस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन हैज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन के पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेयर एज मेटालिक रॉड हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ रहे हो? देयरफोर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफोर द रॉड मे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है इसके पास, ये किसकी तरह एक्ट करता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में है, ठीक है? तो इसलिए वैसा रॉड जिसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, एंड इज नोन एज एनोड, ठीक है? ये ध्यान रखना, इसको एनोड बोला जाता है। और यहां पे देखो, जब भी अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तो अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं? देखो, मेटालिक रॉड के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन एट द सेम टाइम सॉल्यूशन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो वहां पे अपोजिट चार्जेस अगर प्रेजेंट होंगे, अपोजिट चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, प्लस और माइनस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? तो दैट डेवलप्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग बोल सकते हैं दैट डेवलप्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड किसके किसके बीच में, एंड द मेटालिक रॉड। समझ रहे हो बात? और इसी पोटेंशियल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ ना, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है या रिडक्शन की वजह से, यह बताओ तो तुम लोग। अभी जो केस हम लोग लिए हैं, फर्स्ट केस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। समझ रहे हो बात? तो कुछ मेटल का पहला केस हम लोग कंसिडर किए, कुछ मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रिड्यूस होने से ज्यादा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, सॉल्यूशन प्रेशर उसका ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में जानेंगे। अब ये केस वन है हमारा। केस टू हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वैसा मेटल हम लोग कंसिडर करेंगे जिसका कि रिड्यूस होने का टेंडेंसी जो है उसके ऑक्सीडेशन से ज्यादा है, है ना? तो पहला केस ये तुम लोग पहले लिखो, लिख चुके हो? लास्ट पॉइंट चलो लिख लो इसको। अभी आ रहा है ना आवाज का इशू? नहीं है ना अभी? नहीं, चलो ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा।
ठीक है, और इस केस में रिएक्शन तो ऑलरेडी ऊपर लिख ही चुके हैं, क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो है ये सॉलिड से Zn2 plus aqueous और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये. तो ये हो गया हमारा केस वन. केस टू इसी में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. केस टू हम लोग बोल सकते हैं कि वेन मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, कि मेटल का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है. तो जैसे इस केस में हम लोग ले लेते हैं कॉपर वाला केस. ठीक है, जैसे ये है, तो यहां पे हम लोग ले लिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन. अब यहां पे हम लोग इसमें एक कॉपर का रॉड प्लेस कर दिए. ठीक है, Cu का कॉपर का रॉड प्लेस कर दी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड प्लेस कर दी. अब ये हम लोग सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है. ठीक है, तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहला कौन सा प्रेशर यहाँ पे ग्रेटर है, ऑस्मोटिक या सॉल्यूशन, बताओ तो. ऑस्मोटिक, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर. ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब मेटालिक रॉड जो है हमारे पास, उसके पास एक्स्ट्रा क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ. मेटालिक रॉड के पास एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बता सकते हो. हाँ, कैसे हुआ, यहाँ पे देखो एक्चुअली अगर रिडक्शन हो रहा है इसका, तो रिडक्शन हो रहा है तो क्या देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो Cu2+ थे, सॉल्यूशन में जो Cu2+ थे, ये क्या करेगा, Cu2+ आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में. यस और नो, यही रिएक्शन हो रहा होगा ना. अब वो दो इलेक्ट्रॉन उसको मिल कहाँ से रहा होगा, Cu2+ आयन तो सॉल्यूशन में है ही, अब वो दो इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिल रहा होगा, रॉड, ये बताओ, रॉड से, क्योंकि मेटालिक रॉड है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही ना. यस और नो, यस. वो रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रहा है, और वो Cu2+ आयन्स जो है उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके देखोगे यहाँ कॉपर के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकल गया रॉड से, तो रॉड के अंदर क्या चीज बच जाएगा, बता सकते हो, पॉजिटिव. रॉड के अंदर एक्स्ट्रा कौन सा चार्ज बचेगा, ये बताओ, एक्स्ट्रा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो उससे बाहर निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इसके पास देखोगे ये Cu2+ के फॉर्म में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा ना Cu2+ के फॉर्म में. ठीक है, तो ये अब ये पॉजिटिव चार्ज का सप्लायर बन जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का सप्लायर हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि मेटालिक रॉड हैज एक्स्ट्रा, क्या बोल सकते हैं बताओ, एक्स्ट्रा क्या हो गया मेटालिक रॉड के पास, पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज सॉल्यूशन हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हो, बोलो, एंड इज नोन एज कैथोड. सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हो, यस और नो, हेलो. सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, उसको बोलते हैं कि वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर रहा है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है इस रॉड का, तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा. यस, यस.
तो इलेक्ट्रॉन का अगर डेफिशिएंसी है उसके पास, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा। और वैसा इलेक्ट्रॉन जो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वैसा इलेक्ट्रोड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। जो हम लोग पहले वाला केस देखे थे, जो कि सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। और वैसा इलेक्ट्रोड जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा उस टाइप के इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड। कैथोड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और उस पोटेंशियल को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, किसकी वजह से ये पोटेंशियल आ रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ तो। रिडक्शन की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, अभी जो हम लोग ये दोनों चीज पढ़े, ये लिख लियो, ये केस टू। अब इन दोनों केसेस के वजह से कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हमको मिले, वो जो मेटालिक रॉड था जो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करेगा, सबसे पहला आया हमारा कैथोड, एक कैथोड मिला हमको, और दूसरा मिला एनोड, और एक और इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट या फिर नल इलेक्ट्रोड, ये देखेंगे हम लोग इसमें, तीसरा केस है ये। तो कैथोड में हम लोग क्या देखे थे बताओ तो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, यही था ना, इसको पूरा लिख लो। कैथोड वाला रॉड जो था उसमें हम लोग क्या देखे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, यस और नो, ये याद रखना है डायरेक्ट, कैथोड में ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, और कैथोड में ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, वो किसकी वजह से हो रहा होगा, रिडक्शन की वजह से, रिडक्शन की वजह से होगा ना, यस सर। तो इसलिए हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर रिएक्शंस पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें बताया जाता है कि कैथोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। पढ़े हो पहले, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो ये सब बताया गया होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड को यहाँ, कैथोड को ध्यान देना, हमेशा राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ये कन्वेंशन है कि कैथोड को जब हम लोग अभी गैल्वेनिक सेल आगे ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बताया जाएगा कि कैथोड को हमेशा हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट हैंड साइड में, और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देना, कैथोड में ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, रिडक्शन हो रहा है, राइट हैंड साइड में तुमको इसको रिप्रेजेंट करना है, और कैथोड के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है। तो कैथोड वाला जो रॉड है उसके पास एक्सेस में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारा कैथोड से रिलेटेड हो गया। एनोड में बताओ, एनोड में क्या क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर, हाँ यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसको हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इसलिए ये सप्लायर ऑफ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसी में एक तीसरा कैटेगरी भी होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड,
या फिर नल इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ग्रेटर है, सॉरी दोनों इक्वल है, ग्रेटर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन प्रेशर। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो उसमें ना तो ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी है ना ही रिड्यूस करने का टेंडेंसी है, ठीक है, उसमें कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, समझ रहे हो बात। वैसा इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करेगा, ना उसमें ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा, तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे हो गया प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लोगे फॉर एग्जांपल, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। या फिर बहुत सारे केसेस में देखोगे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ना तो उसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होगा ना ही रिड्यूस करने का टेंडेंसी होगा, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर दोनों क्या रहता है, इक्वल, समझ रहे हो बात। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर के कंपैरिजन के बेसिस पे कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स आ गए हमारे पास, ये बताओ कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स मिले, तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स आए ना, कैथोड, एनोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कैथोड साइन कन्वेंशन याद रखना, कि ये अभी गैल्वेनिक सेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में। तो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, और एनोड के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इतना बात समझ में आ गया, yes, sir. चलो तो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज बस इंट्रोडक्शन था, इसमें देख लो एक बार, तुम लोग कोई डाउट है क्या, किसी चीज में मिस हो गया होगा या कुछ कंफ्यूजन है, पूछ लो। क्योंकि चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये बहुत, ठीक है, तुम क्वेश्चंस देखोगे हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन आता ही है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अगर रिडॉक्स का वो एप्लीकेशन तुम लोग नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसान रहेगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस जैसे जेई एडवांस में क्या करता है, इसका आयनिक इक्विलिब्रियम से मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है अगर दो तीन टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो जेई एडवांस में मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं कि दो तीन चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है, ऐसे जेई मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, उसमें आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे ढंग से तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे वैसे उस टॉपिक का क्वेश्चंस बनाते जाना, ठीक है, तो आसानी से चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो आज तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, आज तो कोई न्यूमेरिकल आया नहीं है, ठीक है। जैसे दो तीन क्लास हो जाएगा उसके बाद हम खुद बोलेंगे चैप्टर स्टार्ट कर देना बनाना। अभी तक जिसका बैकलॉग वो केमिकल काइनेटिक्स छूटा हुआ है वो सब कंप्लीट करो, ठीक है, वो सब बना लो जो नहीं बनाया हो अभी तक। और बाकी बुकलेट का क्या हुआ, तुम लोग का इश्यू बुकलेट के लिए बोले थे, जो बोकारो में हो सर को बोले थे? यस सर बोले थे। क्या बोले सर? बोले कि अभी तक प्रिंट आउट नहीं किए। अच्छा, वो हो जाएगा, मतलब सब लोग बोकारो में ही हो तुम लोग अभी? यस यस। अच्छा ठीक है, तो देखो अब पूछ लेना एक बार और, कंफर्म कर लेना कब से मिलना स्टार्ट होगा, तो जब से बोलेंगे आके ले लेना। सर बोले कि डिलीवरी भी करवा देंगे, तुम लोग आना नहीं होगा। अच्छा, तब तो अच्छी बात है। तो तुम लोग बनाओ, तब तक क्या कर सकते हो, तब तक पीडीएफ से ही बनाओ। Yes. ठीक है, जितना पॉसिबल हो रहा है बनाओ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है।
जब ऑनलाइन क्लास कर ही रहे हो, नोट्स भी पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ रहे हो, तो उसमें डाउट्स सॉल्व करने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये सब एक्सक्यूज मत दिया करो सर, फिजिकली बुकलेट नहीं है, ठीक है? प्रीवियस ईयर भी सॉल्व, काइनेटिक्स में कुछ डाउट था क्या तुम लोगों को? कुछ कल नहीं हुआ था ना? और कुछ पूछना है क्वेश्चंस काइनेटिक्स का? नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक्स का पूछ लेना, जिसका जो जो बचा हुआ है, ठीक है? यस सर। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे इसमें। अभी काइनेटिक्स ही बनाओ, इसमें अभी तो न्यूमेरिकल बनाने का कुछ है नहीं। एक दो क्लास होने दो, फिर इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बनाना। तब तक काइनेटिक्स कंप्लीट करो तुम लोग उधर पूरा, ठीक है? यस। चलो ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।